नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करती रही है। इन्होंने कहा कि हम 22,000 नौजवानों को रोजगार देंगे, कितनों को रोजगार मिला है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो कांग्रेस इस बार क्या कुछ रणनीतियां लेकर उतर रही है उपचुनाव? महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों को उनका मुआवजा नहीं दे पा रही है। फसलें बर्बाद हो चुकी है, पूरा प्रदेश पानी में डूब रहा है, तैर रहा है। ये अंकिता हत्याकांड है, दलितों का उत्पीड़न है, दलितों के साथ जाति हो रही है, जुल्म हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो बागेश्वर में उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीतियाँ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 31 उत्तराखंड। धन्यवाद न्यूज 31 को कि आपने मुझसे वक्त को कुछ कहने का अवसर दिया अपने चैनल के माध्यम से। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो कांग्रेस इस बार क्या कुछ रणनीतियां लेकर उतर रही है उपचुनाव? देखिए, आज हमारे कई विभिन्न दलों के अलग अलग दलों के नेताओं ने आज कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा जताया है, कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस के मूल्यों से अपने को जोड़ा है और एक बड़ी ताकत आज हमारे सामने जो सम्मिलित हुए हैं एक बहुत बड़ी ताकत है। विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहा है, विभिन्न दलों में उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, उन्होंने साबित भी किया, प्रूफ भी किया, हार जीत लगी रहती है। लेकिन जो उनके चुनाव के जो परिणाम आए, निश्चित रूप से एक उन्होंने अपने को प्रूफ किया और अपने को स्थापित भी करने की कोशिश की है। आज वह सब लोग कांग्रेस के मूल्यों से जुड़ते हुए कांग्रेस पर विश्वास जता रहे हैं। निश्चित रूप से ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, चुनौती भरा चुनाव है और मेरा मानना है कि इस चुनाव से संदेश भी पूरे प्रदेश में, देश में जाएगा। हम ये लड़ाई आसान नहीं है, हम जानते हैं ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और जब हम सब मिलकर एक परिवार के तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, मेरा ऐसा मानना है। मेन क्या कुछ नीतियाँ हैं सर, एक दो के बारे में अगर आप बताएं। देखिए, क्या बताएं, क्योंकि बीजेपी देखिए से बहुत से खुश हैं, आचार है, अवरुद्ध विकास है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों को उनका मुआवजा नहीं दे पा रही है, फसलें बर्बाद हो चुकी है, पूरा प्रदेश पानी में डूब रहा है, तैर रहा है और रिवर्स प्लान की बात करती थी सरकार, इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। पेपर लीक मामला, नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करती रही है। इन्होंने कहा कि हम 22,000 नौजवानों को रोजगार देंगे, कितनों को रोजगार मिला है। तो तमाम विषय हैं, अंकिता हत्याकांड है, दलितों का उत्पीड़न है, दलितों के साथ जाति हो रही है, जुल्म हो रही है, उनकी हत्याएँ हो रही हैं, उनके हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इधर हमारे बेलड़ा जैसा जो कांड हुआ है, जिसका हत्या हुई है हरिद्वार में, तमाम मसले हैं, शोषित हैं, वंचित समाज के साथ बंटवारा किया जा रहा है, तमाम मुद्दे हैं। हाँ, ये हमारे मुद्दे हैं और ये जनता के मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दे हैं और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये चुनाव में ये सारे मुद्दे जनता के बीच में आएंगे। सर, जिस तरीके से आज बसंत कुमार ने जो है सदस्यता ले ली है, तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बसंत कुमार जी पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा, इससे पहले भी चुनाव उन्होंने असेंबली का केस किया और 2022 में उनको अच्छे वोट मिले, 16,000 के लगभग उन्होंने मत प्राप्त किए, तो निश्चित रूप से एक उनका मजबूत जनाधार है, लोगों में उनकी एक मजबूत पकड़ भी है, तो उनके आने से हमारे भैरवनाथ गोस्वामी जी हैं, गोपाल राम जी हैं, हमारे टमटा जी, बहुत साथियों ने आज कांग्रेस में आस्था विश्वास व्यक्त किया है, तो परिवार बड़ा हुआ है, लगता है कि इसका पूरा फायदा मिलेगा, दो बूथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। आप लोगों ने सुना कि मैंने उनसे क्या कुछ बातचीत की है और ये आप भी जानते हैं कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को देखिए 2 दिन बाद ही रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो न्यूज 31 उत्तराखंड आपको उपचुनाव की एक एक अपडेट देता रहेगा, तो आप लोग बने रहना न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ में नैना।